अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त इफ़त। और आप कैसे हैं? बहुत अरसे से नहीं मिली है ना। और आज मैं आपको एक बहुत खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम चार लड़कियाँ एक ड्रामे में अदायगी की है। मतलब है कि हमने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स एक्ट किया है। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप इसका जो इंतज़ार कर रहे हैं द कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये हमारी चार लड़कियाँ आप जानते हैं ना, तो जूसी, दबसुंग, नौरीन और मैं इफ़त, हम चार लड़कियाँ एक जो बहुत दिलचस्प ड्रामे में जो एक्ट किया है। और ये हमारे लिए बहुत दिलचस्प जो तजर्बात है। और आज मैं आपके साथ ये दिलचस्प जो तजर्बात शेयर करूँगी और आपको जो सीक्रेट इसकी तस्वीरें जब हम शूटिंग कर रही थी जो तस्वीरें और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और आपको ये ड्रामा पहले से आपको दिखाऊँगी। ये ड्रामे का नाम है ऑफिस। इसका जो मेन कंटेंट है, जो हम चार लड़कियां यानी जिनी लड़की हैं जो उर्दू बोल सकती हैं, हम ऑफिस में क्या आम डेली जॉब किस तरह का है और हम जो क्या क्या करती हैं और हम और पाकिस्तानी कॉलेज के दरमियान क्या क्या जो बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बहुत दिलचस्प ड्रामा का एक छोटा सा ये ड्रामा आपको दिखाऊंगी, ठीक है? आप एक्साइटेड है? आइए आइए हम एक साथ देखते हैं ना। मैं आपको दिखाऊंगी, अब देखें आपको पता है ये कौन है? आप पता है ये कौन है? चाइना में अक्सर लोग कुंग फू करते नजर आते हैं। मैं यहाँ तवील अरसे सीखी हूँ, मुझे पता है सबको कुंग फू आता है। पाकिस्तानी फिल्म में देखा था, लोग चलते चलते अक्सर छलांग लगाते हैं जैसे हवा में उड़ जाएंगे। ये कमाल नहीं है? ये हमसी बात है। आप परेशान ना हो, इन्हें उर्दू नहीं आती। जिन्हें उर्दू जुबान आती है वो अंदर कुंग फू में मशहूर है। जी आपने देखा है, यहाँ ये जो इस स्टोरी की बिगिनिंग है, मतलब है कि हम तीन लड़कियाँ ऑफिस में जो डांस कर रही हैं और वर्जिश कर रही हैं, और हमारे पाकिस्तानी कॉलेज्स और एक नई इंटर्न भी है, वो अभी ऑफिस में आती हैं। और हमारे पाकिस्तानी कॉलेज के ख्याल में सब चाइनीज लोग कुंग फू आते हैं, लेकिन हकीकत में ये तो नहीं है। और इसके दरमियान कुछ गलत फहमी है और पाकिस्तानी सकाफत और चीनी सकाफत हम एक दूसरे को जो समझाते हैं, इसके दौरान बहुत बहुत से ज़्यादा दिलचस्प जो तजुर्बा है, बहुत दिलचस्प। और इसके साथ साथ मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि चूँकि ये हमारे लिए बहरी जो मरतबा है कि एक जो ड्रामे में एक ड्रामे के शूटिंग में हिस्सा लिया है ना, तो हमारे लिए बहुत से ज़्यादा लाइक ऑकवर्ड की का वक्त भी है, एम्बेरसिंग का वक्त भी है और बहुत एक्साइटेड और बहुत फ्रेश तो ये मोमेंट भी है। और मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ कि इसके द्वारा हम आपको बताऊँगी कि जो आम पर्सन जैसे हम एक शूटिंग टीम में ज्वाइन करना तो क्या क्या व्हाट हैपेंस है ना। और मैं आपको दिखाऊँगी, आप देखेंगे आप जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये तो दबसुम है ना, ये तो हमारे साथ ये मेकअप करने वाली हैं और हम शूटिंग के दौरान सब हमारे लिए ये मेकअप जो बेहतर बनाने के लिए है। और इसके ये हमारे चाइनीज डायरेक्टर हैं और ये तो हमें जो समझ आते हैं कि ओके ये
शूटिंग कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो बहुत दिलचस्प है ना। और ये जूसी है ना, और ये तमाम शूटिंग स्टाफ्स इसके साथ साथ है। हाँ, और इसके अलावा मैं आपको और ज़्यादा दिखाऊंगी। हाँ, इस तरह का क्या आप इमेजिन करें, ये हम सब यहाँ तो एक्ट कर रहे थे और इसके आसपास बहुत ज़्यादा शूटिंग की थीम है, कैमरा और ये माइक्रोफोन, और इस साइड पे मतलब है इस एंगल से एक दूसरा कैमरा और दूसरे कैमरामैन भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ शूट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले से ये शूटिंग का काम बहुत आसान है, सब कुछ वहाँ रख रहे हैं तो क्या मुश्किल क्या कैसे होगा। लेकिन जब मैं इस जो शूटिंग टीम में ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो मुझे रियलाइज़ किया हाँ ये हकीकत है। तो बहुत से प्रोफेशनल चीज़ें हैं, क्योंकि आप जाने हैं मैं पहली दफ़ा इसमें हिस्सा लिया, मैंने बहुत नर्वस हूँ। और जो इस ड्रामे के हवाले से या इस शूटिंग के तजुर्बात के हवाले से आप लोग मेरे साथ क्या क्या बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ बातचीत करें, ठीक है। मैं तमाम कमेंट्स को जो क्रैक्ट करूँगी और इसके कंटेंट के मुताबिक हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन सी हमारी ज़िंदगी हमारी कहानी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और ताकि हम सब नेक्स्ट एपिसोड हम सब एक साथ बनाएंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।